खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड उन लोगों के लिए जिनको पीना बहुत पसंद है। पीना और संजीव कपूर, ऐसी कोई रेसिपीज बताएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर, ऐसी चीजें मैं बताने वाला हूं जो पी जा सकती हैं और सब लोग पी सकते हैं, बच्चे भी पी सकते हैं, सूप भी पिया जाता है, लेकिन सूप नहीं है। क्या चीजें हैं चलिए मैं बताता हूं। हमारे पास ढेर सारे खताएं हैं जिसमें लोगों ने लिखा है कि आजकल हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहां पर तरह तरह की चीज़ें पीने के लिए मिलती हैं जो घर पे हम नहीं बना सकते हैं। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ऐसी चीज़ें कैसे घर पे बनाएं? जी हाँ, मॉकटेल्स। मॉकटेल्स का मतलब कि ऐसी चीज़ें जिसमें कुछ दो चार इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हों, मिक्स किए हों और ठंडा ठंडा उनको पिया जा सके, अच्छी प्रेजेंटेशन हो, पीने में मज़ा आए और कुछ अलग हो। ऐसी बहुत सारी पीने वाली चीज़ें आज हमारे इस कार्यक्रम में, देखते हैं क्या क्या है आज हमारे पास। शुरुआत करते हैं ग्रीन लेडी से, ऐसी ड्रिंक जो दिखने में हरी है। कैसे बनाई जाती है चलिए। इसके लिए आप खस का शरबत ले लें। ये जो खस का शरबत है बाजार में आसानी से मिल जाता है बॉटल्स के अंदर। और उसके बाद आपको कुछ आइस क्यूब्स चाहिए, बढ़िया सा ग्लास होना चाहिए। यदि आपके पास ये स्टरर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है, सजा कर इन ड्रिंक्स को दिया जाए तो बहुत मज़ा आता है। सजाने के लिए मेरे पास यहाँ पर ये छतरी भी है, फैंसी अम्ब्रेलाज आजकल मिलते हैं, हर मौसम में काम आते हैं। वैसे तो छाते धूप और बरसात से बचाते हैं, लेकिन ये छाते सजाने के काम आते हैं। इस ड्रिंक को बनाने के लिए, इस ग्रीन लेडी को बनाने के लिए आप एक बढ़िया सा ग्लास ले लें और उसके अंदर डालें ये खस का शरबत और इस खस के शरबत में डालें थोड़ा सा नमक, चुटकी भर नमक, ज़्यादा नहीं। और अब इसमें डालें नींबू का रस, हल्का सा मिक्स कर लेते हैं हम। और अब इसमें डालेंगे बर्फ। जैसे मैंने आपको बताया, ठंडी सर्व करनी चाहिए, ये जितनी मॉकटेल्स हैं ज़्यादातर ठंडी ठंडी पीने में मज़ा आता है। वैसे मुझे याद है आज से कुछ साल पहले, करीब 5 से 10 साल पहले, हम लोग ऐसा समझते थे कि आइसक्रीम सर्दियों में नहीं खाई जा सकती, गर्मियों में सिर्फ ठंडे पिए जाते हैं। लेकिन ये सब रूल चेंज हो चुके हैं, 12 महीने लोग ठंडा पीते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। खैर, ये शायद हमारे देश में था कि गर्मियों में आइसक्रीम खानी चाहिए सर्दियों में नहीं। बाहर के देशों में आप जाएं तो एकदम जब बर्फ भी पड़ रही होगी तो एकदम ठंडी चीज़ें पीते हैं लोग, पानी में भी बर्फ़ डालकर पीते हैं, चाहे बाहर कितनी भी बर्फ़ क्यों ना पड़ रही हो। शायद कुछ उनका असर हमारे ऊपर हुआ है। और अब आप इसमें डालें कोई भी लेमन फ्लेवर्ड ड्रिंक। ये देखिए इसका जो रंग है वो कितना बढ़िया हो गया है। इसे हिलाने के लिए ये स्टरर है और हिलाने के बाद इस स्टरर को आप इसी के अंदर रख दें। और इसे सजाने के लिए आप नींबू ले लें, नींबू का स्लाइस काटना है हमने गोल इस तरह से, और आधा सिर्फ एक चीरा आप लगाएं यहां पर। और ग्लास में इस तरह से अटका दें और ये जो छाता है उसको इसके अंदर डालकर इसी तरह से ठंडा ठंडा इसको सर्व करें। वैसे ये जो छाता है बच्चों में बहुत पॉपुलर है, ड्रिंक में डालने के बाद अगर आपने ड्रिंक पीनी शुरू कर दी है तो ये जो छाते हैं अपने बच्चों के लिए घर लेके जाएं। यानी अगर आप इसको बाहर पी रहे हैं, किसी के घर पर पी रहे हैं, तब भी शर्माएं नहीं, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है और बच्चे बहुत खुश होते हैं। और इससे ऐसा लगता है कि हम लोग दिखावे में विश्वास नहीं रखते, मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ ऐसी अच्छी लगी है, ऐसा नहीं है कि जिसके घर में आप जा रहे हैं और आप ये जो छाता है आप लेके जाएंगे तो उनको बुरा लगेगा, क्योंकि ये जो है इसको आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे आपकी मर्ज़ी है कि इस छाते से आप क्या करते हैं, धूप और पानी और बारिश से तो ये छाता नहीं बचा सकता, लेकिन दिखने में बहुत खूबसूरत है। कैसी लगी आपको ये ग्रीन लेडी? बढ़िया है ना? खैर, ऐसी और बहुत सारी ड्रिंक्स हैं आज मेरे पास, देखते हैं और क्या क्या है। अभी आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स
उसके बाद एक रीकैप। इसके लिए हमें चाहिए 4 बड़े चम्मच खसखस शरबत, 1.5 बड़ा चम्मच नींबू का रस, लेमनेड आवश्यकता अनुसार, नमक स्वाद अनुसार और बर्फ आवश्यकता अनुसार। इसके लिए आप एक ग्लास के अंदर खसखस शरबत लेकर इसके अंदर चुटकी भर नमक और नींबू का रस डालकर इसे मिक्स करें। अब इसके अंदर बर्फ डालें और इसके साथ इसमें लेमनेड डालकर इसे मिला लें और अब इसे नींबू के स्लाइस और छतरी से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक खाना खजाना में। एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। अभी आपने देखी ग्रीन लेडी। ग्रीन लेडी पी के देखी कैसी लगी? खैर अब देखते हैं ऑरेंज एंड पाइनएप्पल पंच। आज हमारी जो रेसिपीज हैं पीने वाली हैं, ठंडी हैं और ऐसी हैं जिसको आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। जो इन्ग्रीडियंट्स हमने लिए हैं वो ऐसे हैं जो घर पर ज़रूर मिलेंगे। अगर कोई ऐसा इन्ग्रीडियंट है जो घर पर नहीं है तो कुछ एक आध तो खरीद ही लेना या पड़ोसी से मांग लें। वैसे पड़ोसी से मांगने से बात मुझे याद आती है कि बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहां पर पड़ोसी ऐसे मिलते हैं कि ना जाने सुबह शाम रात उनके पास कुछ ना कुछ ख़त्म ही होता रहता है। कभी चीनी लेने आ जाएंगे, कभी आलू, कभी प्याज, कभी पुदीना, कभी नींबू, और ऐसा लगता है कि वो अपनी प्लानिंग नहीं करते हैं। खैर ऐसी बात नहीं है, कभी कभी पड़ोसी मांगने आए तो खुशी से दें, लेकिन वो पड़ोसी जो हमेशा मांगते हैं ये ध्यान रखें कि थोड़ी सी प्लानिंग करें। अपनी जो पैंट्री है, अपनी जो किचन है, उसमें जो सामान है वो उसको ऑर्डर इस तरह से करें कि घर में चीज़ें ख़त्म ना हो। घर में से सारी चीज़ें हर समय मिलनी चाहिए। थोड़ी सी प्लानिंग लगती है लेकिन आपको फिर बहुत आसानी होगी और मांगना भी नहीं पड़ेगा। खैर चलते हैं हम ऑरेंज एंड पाइनएप्पल पंच में। इसके लिए यहाँ पर मैंने संतरे का रस लिया हुआ है। वैसे तो आजकल पैकेट में मिल जाता है, कैन में मिल जाता है, फ्रेश लेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। संतरे यहाँ पर है मेरे पास और इसके साथ साथ पाइनएप्पल का जूस लिया है और ये भी फ्रेश। फ्रेश पाइनएप्पल का जूस कैसे बनाया जाए? बहुत आसान है। एकदम राइप पाइनएप्पल लें, अनानास लें, उसके टुकड़े काटें, जो उसकी आईज हैं उसे निकाल दें और उसके टुकड़े काटें छोटे छोटे, मिक्सर के अंदर डालें और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको मिक्स कर लें। उसके बाद छानें, पाइनएप्पल जूस तैयार। अगर मीठा ज़्यादा करना है तो थोड़ी सी चीनी या ग्लूकोज पाउडर डाल सकते हैं। पाइनएप्पल का रस तैयार। यहाँ पर फ्रेश पाइनएप्पल जूस है, इसके साथ साथ मेरे पास ऑरेंज जूस है, ये फ्रेश नहीं है, वैसे आप चाहें तो फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इन सब चीज़ों को हमने मिक्स करना है। ये जितने जूसेस हैं, पहले हम ले लेते हैं पाइनएप्पल। इसके साथ ऑरेंज, बर्फ क्योंकि ठंडा सर्व करना चाहिए एकदम चिल्ड, तो इसमें हम बर्फ डाल देते हैं। और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस। अगर आप फ्रेश ऑरेंज जूस ले रहे हैं और वो बहुत खट्टा है तो नींबू का रस ना डालें। और इसके साथ इसमें आप डालें ये लाल रंग का शरबत। आप रोज सिरप ले सकते हैं या फिर आप इसके अंदर ग्रेनेडीन डाल सकते हैं। ग्रेनेडीन सिरप जो है वो अनार का सिरप बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो रोज़ का सिरप तो मिलता ही मिलता है। थोड़ा ये रोज़ सिरप और अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हमने ब्लेंड कर लिया है। इसमें जो जूसेस हैं वो भी काफ़ी मीठे हैं और उसके बाद हमने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रोज़ का सिरप भी डाला है, तो ये जो है अभी बहुत ज़्यादा मीठा है। खैर देखते हैं आगे क्या करना है। अब इसे हम एक ग्लास के अंदर सर्व करेंगे। थोड़ा सा रहने दें, ये एकदम ठंडा होना चाहिए, चिल्ड होना चाहिए। और उसके बाद इसके ऊपर आप डालें ठंडा ठंडा सोडा। सोडा डालने से जब आप इस ड्रिंक को पियेंगे तो थोड़ी सी एक टिंगलिंग सेंसेशन आएगी और दूसरा जो इसमें हमने रोज सिरप डाला था उसकी वजह से काफ़ी मीठा हो गया था, उससे भी इसकी जो स्वीटनेस है वो बराबर हो जाएगी। अब ये तैयार है, लेकिन
जैसे ग्रीन लेडी को हमने प्रेजेंट किया था उसी तरह से इसे भी बढ़िया से प्रेजेंट करना चाहिए। तो इसे सजाने के लिए आप संतरा ले सकते हैं, और यहाँ पर मेरे पास कुछ चेरीज हैं, तो आप संतरा, चेरी या कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें लगाया जा सकता है। यहाँ पर आप टूथपिक ले सकते हैं, ये एक मेरे पास तीली है लेकिन थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, इसे हम काट लेते हैं। और ये ग्लेज चेरीज हैं मेरे पास, ग्लेज चेरी लें, इसके साथ ये संतरा, एक और ग्लेज चेरी, और इसे इस तरह से ऊपर हम रख सकते हैं। और जैसे हमने पिछली बार फैंसी अम्ब्रेला लगाया था, आप उसको भी लगा सकते हैं, नहीं तो ये जो स्ट्रॉज मिलते हैं और ये जो दूसरा ग्लास है इसमें इस संतरे का या मौसम्बी का छिलका जिसको काट कर डाला जा सकता है, ये हमने काटा हुआ है। और जैसे ये संतरा और चेरी हमने इसमें लगाया था इसमें भी डाल सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप इसको इसके साथ में ऐसे पिरो दें और अब इसके अंदर डालें। और लीजिए, ये तैयार हो गया आपका ऑरेंज एंड पाइनएप्पल पंच। बढ़िया है, ठंडा ठंडा सर्व करें। और ये जो गार्निश है, हम हमेशा ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि खाने वाली चीज़ है तो ज़रूर खाइए, अगर आपकी खाने की इच्छा नहीं है तो ना खाएं। ये जो छिलका है इसको ना खाएं। चेरी और संतरा खाया जा सकता है तो ज़रूर खा सकते हैं। अगर नहीं खाना है तो इसको आप प्लेट में साथ में या किसी ऐशट्रे में रख सकते हैं, और उसके बाद वो अपने आप चली जाएगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे खत हमारे पास ऐसे भी आते हैं, तो कहते हैं आप गार्निश तो बताते हैं, क्या उसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो आज आपको पता चल गया कि आप इसको खा सकते हैं या नहीं। खाने वाली चीज़ है तो ज़रूर खाएँ, मज़ा आएगा। के लिए हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच गुलाब का शरबत, 1 कप संतरे का रस, 1 कप अनानास का रस, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 4 से 5 चेरीज और बर्फ आवश्यकता अनुसार। इसके लिए आप एक मिक्सी में अनानास का रस, संतरे का रस, बर्फ, नींबू का रस और गुलाब का शरबत डालकर इसे मिक्स कर लें, और इस मिक्सचर को एक ग्लास में डालें और ग्लास को पौना भर लें। इसके बाद इसके अंदर सोडा डालकर इसे पूरा भर लें और इसे संतरे, चेरी और संतरे के छिलके से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका खाना खजाना के इस मॉकटेल स्पेशल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक आपने 2 बहुत बढ़िया ड्रिंक्स देखी, पहली ग्रीन लेडी और उसके बाद ऑरेंज एंड पाइनएप्पल पंच। कई बार घर पे ऐसा होता है कि खूब सारे फल बच जाते हैं, समझ नहीं आता क्या किया जाए, उसका रस निकालें या ना निकालें, और इतने ज़्यादा भी नहीं होते कि रस निकालेंगे तो सबको पूरे पड़ जाएंगे, तो क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं एक ऐसी ड्रिंक जिसको मिक्स्ड फ्रूट्स के साथ बनाया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं, यहाँ पर कुछ फल हैं मेरे पास, जैसे अंगूर है, वाटरमेलन है यानी तरबूज है, और संतरे हैं। यदि संतरे आपको नहीं मिले या इसमें से कोई ऐसा फल है जो नहीं मिल रहा है तो घबराने की बात नहीं है। और पाइनएप्पल है, यहाँ पर कैंड है, वैसे तो कीवी फ्रूट भी पड़ा हुआ है लेकिन थोड़ी मुश्किल से मिलता है, दिखने में चीकू जैसा है लेकिन अंदर से हरा होता है, बाद में आपको काट के दिखाता हूँ मैं। खैर, इन फलों से ड्रिंक बनाते हैं हम। सबसे पहले ये जो फल हैं हम ले लेते हैं, इसमें से ये जो वाटरमेलन है इसे ले लेते हैं, इसमें बीज निकाल लें, ये देखिए इसमें बीज है, इसे हम निकाल लेते हैं और इसको छोटे टुकड़ों में काटना है। संतरे हैं, संतरे के भी हमने बीज निकाले हुए हैं बीच में से काट कर। पाइनएप्पल और कुछ अंगूर, ये जो अंगूर हैं इसके दाने इसके अंदर डालें, इसके साथ इसमें हम डालते हैं थोड़ा स्ट्रॉबेरी क्रश, बॉटल में मिलता है आजकल। स्ट्रॉबेरी क्रश के बाद
थोड़ी सी बर्फ, क्रश्ड आइस, और इन सब चीजों को हमने ब्लेंड करना है। देखिए ब्लेंड होकर ये समझ ही नहीं आता कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। लगता है कि वाटरमेलन है सिर्फ, लेकिन इसमें जो रंग है वो है स्ट्रॉबेरी क्रश की वजह से, लेकिन टेस्ट है इसके अंदर अंगूर का, फ्रेश अंगूर का, फ्रेश वाटरमेलन का और फ्रेश ऑरेंजेस का। खैर इसके अंदर थोड़ा संतरे का रस भी मिलाते हैं हम, ऑरेंज जूस, फ्रेश डालना चाहें तो फ्रेश, नहीं तो जो बाजार में मिलता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। संतरे का रस मिलाने के बाद इसमें थोड़ी और आइस डालते हैं हम, क्योंकि बिना बर्फ के मजा नहीं आएगा, ठंडी होनी चाहिए ये। और अब ये तैयार है, ठंडी ठंडी इसी तरह से आप सर्व करें। देखिए दिखने में कितनी बढ़िया है, और सजाने के लिए आप चाहें तो ये जो अम्ब्रेला है उसको लगा सकते हैं, ग्रेप्स हैं उसे डाल सकते हैं, और ये जो स्टरर है उसको इसके अंदर डालकर इसी तरह से ठंडा ठंडा इसको सर्व करें। अगर आप बच्चों को इसे पिलाना चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ी सी आइसक्रीम डाल दें, स्मूथ हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, क्रीमी हो जाता है। तो चलिए बच्चों के लिए थोड़ी आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम इसके अंदर हम डालते हैं, और आइसक्रीम डालने के बाद इसे मिक्स कर लेते हैं। और इसे भी आप सर्व करें। इसमें हमने डाली है वेनिला आइसक्रीम, और आप इसे सजाना चाहें तो कीवी फ्रूट से सजा सकते हैं। ये देखिए दिखने में बहुत अच्छा लगता है जो कीवी फ्रूट है। छोटा सा कट लगाएं, और बच्चों के लिए छाता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे खेलते हैं तो ये छोटा सा छाता इसके अंदर। ये देखिए ये कितनी बढ़िया लग रही है। वैसे नाम तो बच्चों का है, मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि लोग कहते तो हैं कि हमें फ्रेश फ्रूट चाहिए, कैलोरीज नहीं चाहिए, जब ये पीते हैं तो दोबारा इसी की मांग आती है। बच्चों के नाम पर बड़े भी ऐश करते हैं। खैर ऐश कोई भी करे, मुझे बहुत मज़ा आता है कि जब लोग कुछ खाना या पीना पसंद करते हैं। इसी तरह से बढ़िया खाना खाते रहें और ऐसी ऐसी मॉकटेल्स पीते रहें। यदि कैलोरीज की चिंता है, सुबह जल्दी उठें, 2-3 किलोमीटर भागें या दौड़ें या जॉग करें या वॉक ही करें, कुछ तो शुरुआत करें। खैर खाना खजाना के साथ साथ हमारी ऐसी कोशिश रहती है कि आपको सिर्फ रेसिपीज ही नहीं, ऐसी टिप्स भी मिलें जिससे आपका और हमारा जीवन और सार्थक हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम तरबूज के पीसेस, 100 ग्राम अंगूर, 2 स्कूप वनीला आइसक्रीम के, 2 स्लाइस अनानास के, 1 संतरा, 2 बड़े चम्मच स्ट्रॉबेरी क्रश, 1.5 कप संतरे का रस, 4 से 5 चेरीज, बर्फ आवश्यकता अनुसार, और गार्निश करने के लिए कीवी फ्रूट। इसके लिए आप एक मिक्सी के अंदर तरबूज के पीसेस जिसके बीज निकले हों वो डालें, इसके साथ संतरे के पीसेस जिसके बीज निकले हों उसे डालें, अनानास के पीसेस, अंगूर, स्ट्रॉबेरी क्रश और थोड़ी सी बर्फ डालकर इसे मिला लें। इसके बाद इसके अंदर संतरे का रस डालकर इसे दोबारा मिक्स कर लें, और अगर ज़रूरत पड़े तो इसके अंदर थोड़ी सी बर्फ डालकर इसे मिला लें, और इस मिक्सचर को एक ग्लास के अंदर डालें और इसे छतरी और अंगूर का गुच्छा लगाकर गार्निश करें और सर्व करें। बच्चों के लिए आप जूस के अंदर वनीला आइसक्रीम डालकर मिलाएं, और अब इसे एक ग्लास में डालकर इसे कीवी फ्रूट के स्लाइस और छतरी लगाकर गार्निश करें और सर्व करें। Wow.